नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित। आज आप लोग को दिखाएंगे कि जैकेट फट गया। दोस्तों अभी ठंडा का सीजन है, अभी इस सीजन में जैकेट आपका फट जाता है तो घर पर कैसे आप रिपेयरिंग कर कीजिएगा, सिलाई कैसे कीजिएगा, आज इसका फॉर्मूला दिखाएंगे। जैकेट सिलाई डबल रहता है दोस्तों, अंदर में भी अस्तर रहता है, आप उसको ठीक तरह से आपका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सिलाई नहीं कर पाइएगा। दोस्तों मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम दिखाएंगे जैकेट रिपेयरिंग किस तरह से होता है। दोस्तों आइए, दोस्तों देखिए, इस ये बच्चा का ही जैकेट है, मतलब मगर फार्मूला तो एक ही है। इसी में आपका बड़ा जैकेट का भी इसी तरह से आपको सिलाई करना पड़ेगा। ये फट गया दोस्तों, देखिए ये फट गया। आप किधर से सिलाई करेंगे कि आपको ओरिजिनल की तरह सिलाई आपको लगे। देखिए अंदर में भी अस्तर है, ये अस्तर है, ये आपका आप बताइए। अब इधर भी किधर है, आपको पुचड़ा नहीं मिल रहा है, ना इधर पुचड़ा मिल रहा है ना इधर मिल रहा है। आपको क्या करना है, जितना पुचड़ा जिस सिलाई करने का जो पुचड़ा रहता है सब अंदर में रहेगा। आपको कहाँ से सिलाई करना पड़ेगा, इसका क्या नॉलेज है, क्या फॉर्मूला है, आपको इस वीडियो में आप लोग देखिए सीखिए दोस्तों। तो आप लोग घर पर ही एकदम फिनिशिंग के साथ आप लोग कर पाइएगा। यह फिनिशिंग आपको होना चाहिए जैसे टेलरिंग में हम लोग करते हैं, उसी तरह आप लोग सीख करके घर पर भी, या नया टेलरिंग है वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ग्राहक भी खुश रहेगा, आपका काम करने में मन लगेगा, क्योंकि आपका सही नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिक है सब आपको पसंद करेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखिए कहाँ खोलेंगे दोस्तों, या खोलने का तरीका किधर है। इस जैकेट में देखिएगा सगरो कहीं पर भी आपका क्या बोलते हैं मैंने पुचड़ा नहीं दिखाई दे रहा, सब अंदर अंदर लॉक है दोस्तों। आप कहाँ से खोलेंगे इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। इधर से मैंने सिलाई करने का कोई तरीका नहीं, आपको इस चैन तरफ ही खोलना पड़ेगा। यहाँ पर हम खोलते हैं, देखिए कांची की नोक से हम खोलते हैं दोस्तों। इस तरह से आप खोलिए, इस तरह से कांची की नोक से सूता को धीरे धीरे काटिएगा और हल्का हल्का टानिएगा और हल्का काटिएगा। नहीं खुल रहा है तो इस तरह सूता भी काट दीजिएगा। इस तरह सूता काटने से क्या होगा, वो खोलने में आसान होगा। इस तरह चेन तरफ ही आप खोलिए दोस्तों। इसमें भी सुई आप मोटा सुई लगाइएगा ताकि आपको सिलाई करने में कोई झंझट और दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट ध्यान रखिएगा, ये अस्तर जो है, ये अस्तर कपड़ा, इसको टानिए नहीं, इसको टानिएगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो आपको फिटिंग करने में फिर बिठाने में दिक्कत हो जाएगा, परेशानी में आप गिर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी कीजिएगा सूता, इसको टाना खींचा मत कीजिए। मैंने यदि हल्का यदि आपको खींचना ही है तो इसको खींचिएगा, या चेन को खींचिएगा, या सूता काट करके आप खोलिएगा। ये सबसे बेहतर और बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें बढ़ेगा नहीं वो कपड़ा, आपको थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा खोलिएगा और अस्तर तरफ टाना खींचा मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा वो लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो बस आपको फिर बिठाने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम खोल लिए, देखिए ये खोल लिए आराम से दोस्तों। आप देखिए इधर से खोल लिए, आप आराम से ये सिलाई हमको करना है दोस्तों। देखिए कितना ईजी है दोस्तों, मगर इसको आप समझिएगा तभी कर पाइएगा। इस तरह से हम हाथ इधर से हम हाथ मैंने घुसा दिए। अब देखिए इधर पकड़ लिए, इस सिलाई को हमको पकड़ लेना है, यहाँ से करना है ये हमको, इसको पकड़ लेना दोस्तों। देखिए यहाँ पकड़ लिए, इसको टान करके सामने ले आते हैं, इसको टान करके आप सामने लाइए। लाने के बाद अब देखिए कितना आसान, इसको थोड़ा निकालिए। इसको निकालने के बाद फिर आप सिलाई कीजिए, जिस तरह सिलाई करते हैं उसी तरह कीजिए। आप सिलाई कीजिए, सुई मोटा सुई लगाइएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपका टूटेगा नहीं और काम भी आपका आराम से हो जाएगा। ये थोड़ा मोटा ही रहता है जैकेट जींस, सब सुई मोटा ही रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होगा दोस्तों, सुई टूटेगा नहीं, काम भी कीजिएगा तो आपको मन लगेगा। चलिए इस तरह से आप सिलाई दो बार सिलाई चला दीजिएगा, इस तरह से सिलाई कर दीजिएगा तो आपका एकदम ओरिजिनल भी हो जाएगा और ग्राहक भी पूरा खुश रहेगा। इसी कायदा से, इसी कंडीशन से आपको कोई भी जैकेट का सिलाई जैसे ही छूट छूट जाता है तो यही फॉर्मूला अपनाइएगा। इधर चेन तरफ खोलिएगा और दो बार सिलाई चला दीजिएगा, ताकि क्या कर, ये अंदर का सिलाई है, सिलाई आपका मजबूत रहेगा और दो साल तक वो यहाँ पर फटेगा नहीं। इतना आप गारंटी उसको दे सकते हैं ग्राहक को कि दो साल के लिए उस जगह जहाँ आप सिलाई करते हैं वहाँ दो साल आपका नहीं फटेगा। देखिए दोस्तों ये सिलाई होगी, अब निकल कर दिखाते हैं। देखिए ये जो आपका ये था जो फटा हुआ था, ये आपका देखिए सिलाई ओके हो गया, मजबूत हो गया। अब क्या करना है, अब इसको सिलाई कर देना है, ये इसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कहीं और फटा है तो देखते हैं, और एक जगह में थोड़ा सा है और एक उधर देखें, जैकेट ये फटा था। आप देखिए इधर यहाँ पर भी अस्तर वाला फटा, अस्तर फट गया है दोस्तों। इसको भी उसी तरह से वहीं से हमको जहाँ से खोले हैं, यहाँ खोले हैं यहीं से हमको पकड़ करके फिर इसको देखिए यहाँ पकड़ लिए। पकड़ने के बाद इसको फिर से उसी जगह को हम फिर उसी तरह से आपको यहाँ पर भी फिर सिलाई करना है। उसी तरह इसको भी इस तरह पकड़िए और सिलाई कीजिए।
फार्मूला तो याद रखिएगा किधर से हम खोले और किधर करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा आपका सिलाई आपका ओरिजिनल की तरह होगा दोस्तों। अब इधर भी सिलाई अस्तर जो है जैकेट का वो हम सिलाई कर दिए। देखिए दोस्तों ये अस्तर सिलाई कर दिया तो नया कि जैसे ओरिजिनल था उसी तरह हो गया। अब क्या करना है इसको देखिए, इसको आप सिलाई कर देना है जो जहाँ खोले थे। अब देखिए ये टाने नहीं, फिर भी हल्का लंबा हो गया। अब इसको ठीक से इस तरह बिठाइएगा नहीं तो जेवर जितना बार खोलिएगा उतना लंबा होते जाएगा। अब इधर आपको सिलाई मार देना है बस दोस्तों। ये जैकेट आपका हो गया। हाँ दोस्तों ये जैकेट सिलाई आपका हो गया, होकर रेडी है दोस्तों। ये सिलाई आप कीजिएगा, आप इसको टानिए नहीं, इसको क्या कीजिए ये अस्तर लंबा हो रहा है, इसको क्या कीजिएगा हल्का हल्का उधर उधर ढकेलेगा और पीछे तरफ, ताकि क्या होगा आपका आराम से ये बैठ जाएगा अपना मेकअप हो जाएगा। और इस तरह से सिलाई आप कर दीजिए, देखिए ओके हो गया दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से आप सिलाई कीजिएगा, पूरा बैठ गया। देखिए दोस्तों ये अस्तर भी बैठ गया, ये थोड़ा सा हल्का ढकेल करके बिठाना पड़ा ना, लंबा हो रहा है। ये आपका हो गया, ओके हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को ये नॉलेज मिला कि जैकेट फट जाता है तो किस तरह से आप सिलाई किया जाएगा। घर पर ही आप सिलाई कीजिएगा या नया जो टेलर सीख रहे हैं वो उसको नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से सिलाई कीजिएगा कि आपका जैकेट नया की तरह बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और आपका समय मिला, टाइम मिला तो आप क्या कीजिए, मेरे प्ले लिस्ट जाइए, वहाँ हर प्रकार का वीडियो डाला गया है, उसमें जाकर देखिए, सीखिए। और दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट भी भेजिए, कुछ सीखने का चीज़ है यदि कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर भी आप बोलिए तो हम दूसरा फिर से हम उसको रिप्लाई करके और बना वीडियो बनाने के और आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। नमस्कार, फिर बाद में दूसरा वीडियो मिलेंगे।